जैसा कि हमने संबोधन कारक के बारे में पढ़ा है, आज उसका हम पुनः अभ्यास करते हैं, रिवीजन करते हैं कि संबोधन जो कारक की आठवीं विभक्ति है और इसका चिन्ह है किसी को कॉल करने के लिए, किसी को पुकारने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। इसमें बेटा आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि संबोधन किस प्रकार से लगाना है, आपको कौन सी विभक्ति कैसे लगानी है। अगर आप द्विवचन, अगर आप द्विवचन के लिए कुछ यहाँ पर देखिए आप कि संबोधन पद लिखो और यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि एक वचन लिखो या बहुवचन लिखो या द्विवचन लिखो, तो आपको सिंपल संबोधन पद लिखना है। अगर अकारांत शब्द है तो उसको आप देव की तरह रूप चलेंगे, अकारांत पुल्लिंग है, और अगर आकारांत है तो लता की तरह चलेंगे अगर स्त्रीलिंग शब्द है, और अगर नपुंसकलिंग है तो आपके फल की तरह रूप चलेंगे। ठीक है, बस आपको ये अपने दिमाग में सोचना कि ये अकारांत है, आकारांत है, कौन सा शब्द है। देखिए जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, बाल, बाल शब्द पुल्लिंग है, तो हे बाल, जैसे हे देव, आप एक शब्द रूप अपने माइंड में रखिए। अब बाला, बाला लिखा है तो ये स्त्रीलिंग है, तो हे बाले, लता वाले में लास्ट में क्या आता है, हे लते हे लता। हाँ ऐसे ही यहाँ पर देखिए पिक, हे पिक, और इसके साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन लग जाता है, हे कोकिले, हे जनक, जनके नहीं हो जाएगा जनक, क्योंकि ये देव की तरह रूप चलेंगे, पुल्लिंग शब्द है। यस, हे राम, हे मोहन, हे कन्ये, यहाँ पर हे कन्ये क्यों आया, यस जनक, जनक आप बताइए हे कन्ये क्यों आया यहाँ पर, जनक वर्मा बोलो बेटा, यस अवनी जैन, अवनी जैन यहाँ पर हे कन्ये क्यों आया मैम, क्योंकि ये स्त्रीलिंग वर्ड है। वेरी गुड, क्योंकि ये स्त्रीलिंग वर्ड है, इसके रूप लता की तरह चलेंगे। यस, नेक्स्ट में देखिए, हे मयूर, यस तनिष्क, यहाँ पर मयूर क्यों आया, हे मयूर क्यों आया मैम, बिकॉज इट इज अ पुलिंग वर्ड और मैम इसके रूप देव की तरह चलेंगे। यस वेरी गुड बेटा, नाउ वानर, हे वानर, क्योंकि ये भी अकारांत पुलिंग शब्द है, तो इसके रूप भी देव की तरह, राम की तरह, बालक की तरह चलेंगे, जो भी आपने किए अकारांत पुल्लिंग के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न संबोधन शब्दों को बहुवचन में लिखो। अब यहाँ पर मेंशन किया है प्रश्न में कि आपने बहुवचन में लिखना है, तो इसके लिए एग्जांपल दिया, हे बाल, हे बालाहा, बाल है बालव बालाहा, हे बाल, हे बालव, हे बालाहा, इसकी लास्ट जो लाइन है। अब बाले, बाले है तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द होगा, हे बाले, हे बाले, हे बालाहा। अब बहुवचन तो दोनों का सेम है, बट आपको यहाँ देखना है, हे बाले लिखा हुआ है तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका बहुवचन हे बालाहा। ठीक है, अब देखिए, हे बालक, हे बालकाहा, बालक, हे बालकाऊ, हे बालका, पूरी लाइन बोलकर देखेंगे तो गलती नहीं होगी। हे फल, हे फलानी, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग की तरह इसके रूप चलेंगे। हे बालिके, यस, हे बालिका क्यों आया यहाँ पर, हे बालिके लिखा है तो इसका बहुवचन हे बालिका क्यों आया। कनिष्का, कनिष्का सिंह आप बताइए, कनिष्का सिंह, यस, अंशिका, सॉरी अनुष्का, अनुष्का जैन, अनुष्का, यस मैम, हे बालिका क्यों आया यहाँ पर मैम, क्योंकि ये स्त्रीलिंग वर्ड है। वेरी गुड, स्त्रीलिंग वर्ड कौन सा है, ये एक्चुअली कौन सा वर्ड है मैम, लता, नहीं बेटा, यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे आप मैम, मतलब वाली कहा में एक्चुअली वास्तव में मूल शब्द क्या है,
मैम बालक। बालिका बेटा, बालक का तो फिर बालक की तरह चलेंगे, रूप देव की तरह। बालिका में अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर बालिका में मूल शब्द क्या है, तो आप बालिका बताओगे। अब बालिके में मूल शब्द क्या है? यस, बालिके में मूल शब्द क्या है? जल्दी बोलिए, बालिके में मूल शब्द क्या होगा? मैम बली बाली। बेटा बालिके में बालिका होगा मूल शब्द, बालिके में बालिका होगा मूल शब्द, ठीक ओके है? मैम। यस बेटा, ये कृष्ण भगवान के नाम से कौन है? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। हे शुक, हे शुकाहा। हाँ यस, चारवी। इसमें शुकाहा कैसे आया? चारवी, शुकाहा कैसे आया इसमें? चारवी, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। आरुष, मैम क्योंकि मैम शुका मैम शुक मैम पुलिंग शब्द है। वेरी गुड, शुक पुल्लिंग शब्द है और इसलिए शुकाहा आया। वेरी गुड। अब देखिए, हे लते का हे लताहा, हे मक्षी के। यस, मक्षिका का क्या अर्थ होता है काव्या? मक्षिका मीन्स, यस काव्या, मक्षिका मीन्स, मक्षिका मीन्स, मक्षिका का क्या अर्थ होता है बेटा? सक्षम, सक्षम मक्षिका मीन्स। यस सक्षम, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। कनिष्का, मैम पंछी। मक्षिका मीन्स मक्खी बेटा, मक्षिका मीन्स मक्खी होता है, ठीक है? ए मक्षी के, ए मक्षी कहाँ, हे नर, हे नराहा, हे फल, हे फलानी। नेक्स्ट देखिए, निम्न संबोधन शब्दों को द्विवचन में बदलो। अब द्विवचन में बदलना है, पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। हे राम, हे रामो, हे कन्ये, हे कन्ये, हे लते, हे लते, हे लताहा। इसका एक वचन भी सेम है। हे बालिकाहा, हे बालिके, अगर द्विवचन में है तो इससे पहले वाला आप हिंट देखेंगे। हे पत्राणी, हे पत्रे, हे रमाहा, यहाँ पर देखिए रमा है, हे रमे, हे लताहा, हे लते, हे मयूराहा, हे मयूरंग, हे सूचिकाहा, हे सूचिके, हे अश्वाहा, हे अश्वउ, हे वृक्षाहा, हे वृक्षउ, ठीक है? ऐसे बेटा अब यहाँ पर देखिए संबोधन के पद भरिए। आपको ये ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। वो डैश वयम पुस्तकम पठामः, यहाँ पर चार ऑप्शन है, आचार्य, आचार्यो, आचार्या, आचार्य। हे आचार्य, हे आचार्य, हम सब पुस्तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हे डैश तम किम करोषि। अब यहाँ पर देखो, तम ये एक वचन है, इसलिए एक वचन वाला ही वर्ड यहाँ पर आएगा। हे बालिका तुम क्या करती हो, यहाँ क्या है बालिके, जो इसका संबोधन पद हमने सर्च आउट करना है। हे डैश अहम नृत्यामी, हे लते अहम नृत्यामी, यहाँ अहम नृत्यामी मैं नाचता हूँ, एक वचन ही है, और लते लता एक है। हे पिता भवान कुत्र गच्छति, हे पिता आप कहाँ जाते हैं। पिता देखिए यहाँ पर पितरौ, पित्री, पिता, ये सब इससे डिफरेंट है, पिता शब्द एक वचन है। हे मोहन किम त्वम पठसि, हे मोहन क्या तुम पढ़ते हो, तो यहाँ मोहन एक वचन है, तो हे मोहन, हे यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया हुआ है, आपको सिर्फ वर्ड इसमें से ढूंढना है। हे
सीते तुम कुत्र बससी, हे गीता तुम कहाँ रहती हो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों के संबोधन रूप लिखें, या एक एक करके आप इसको रीड आउट भी करेंगे, ठीक है। हे राम, हे रामो, हे रामा, हे लते, यहाँ हे कन्ये, हे कन्ये, हे कन्या, क्योंकि कन्या वर्ड दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, यस, आदित्य गोयल, आदित्य गोयल बेटा इसको रीड आउट करिए वन नंबर से। हे छात्र, हे छात्र, आदित्य मैम, छात्र, हे छात्र, हे छात्रो, हे छात्रा। वेरी गुड बेटा, ये छात्रो नहीं होता, ये छात्रऊ होता है। ओके, वेरी गुड। आदित्य पुरोहित, आदित्य पुरोहित, नेक्स्ट रीड। यस मैम, हे सीता, हे सीते, हे सीते, हे सीता, हाँ, वेरी गुड। आरव कुलियाल, आरव कुलियाल, मैम कैन आई रीड? आरव कुलियाल, भूवी, यस भूवी, रीड बेटा। यस काव्या, यस मैम, रीड बेटा। हे मैम, मैम सीता, रमा, रमा, हे सीते, हे सीते, हे सीता, बेटा वेरी गुड। सीता का आपने बोला, हे सीते, हे सीते, हे सीता, बट आपकी टर्न यहाँ पर थी, रमा, हे रमे, हे रमे, हे रमा, हाँ। यस जनक, जनक, यस मैम, जनक, नेक्स्ट, हे रमे, हे चक्रे, हे चक्रे, हे चक्रिया, हे चक्राणी, हे चक्रे, हे चक्रे, हे चक्राणी, ये फल की तरह इसके रूप चलेंगे। आरव भास्कर, आरव भास्कर, यस आरव, यस मैम, बोलो बेटा कलिका के रूप बोलो। हे कलिके, हे कलिके, हे कलिकाहा, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। यस नेक्स्ट, सानिया अलवी, सानिया अलवी, सानिया नेक्स्ट बोलो बेटा। मैम आई एम रीड। हे देव, हे देवो, हे देवाहा, यस गुड, वेरी गुड। बालक, 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 हे बालक, हे बालको, हे बालकाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस देखिए, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से संबोधन के रूप लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखो बेटा, बालक शब्द ब्रैकेट में, कोष्ठक मींस ब्रैकेट में दिया हुआ है, और इसमें डैश युवाम पुत्र पटस्था, यहाँ पर देखो बेटा युवाम लिखा है, युवाम मींस द्विवचन दो, ठीक है, तो द्विवचन वाला ही वर्ड आप इसकी फॉर्मेशन बनाएंगे। हे बालकौ, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका, हे बालकौ, युवाम पुत्र पटथा। नेक्स्ट देखिए बेटा, डैश जीता शब्द ब्रैकेट में दिया हुआ है, त्वम पुत्र वससी। अब त्वम, त्वम एक वचन है, तो हम इसका गीता का एक वचन रूप बनाएंगे। हे गीते, हे गीते, त्वम पुत्र वससी, हे गीता तुम कहाँ रहती हो। अब गीता तो एक है, तो इसलिए एक वचन ही आएगा। नेक्स्ट, डैश यूयम कुत्र क्रीडत, छात्र, छात्र शब्द दिया हुआ है ब्रैकेट में। अब यहाँ देखिए यूयम दिया है, यूयम मीन्स बहुवचन, तो इसका हम बहुवचन बनाएंगे। हे छात्रा, यूयम कुत्र क्रीडत। ओके, नेक्स्ट देखिए, डैश युवाम कुत्र गच्छतः, कन्या दिया हुआ है। अब कन्या शब्द का हम यहाँ देखेंगे कि क्या बनेगा, युवाम, युवाम मीन्स द्विवचन, दो के लिए कहा गया, तो हे कन्ये इसका द्विवचन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, डैश त्वम कुत्र धावसी, अब बालिका दिया हुआ है,
बालिका का एक वचन क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर तुम दिया हुआ, तुम तो तिरथावसी, तुम कहाँ दौड़ती हो। तो हमें ये पता लगता है यहाँ से कि हमें इसका एक वचन रूप बनाना है, द्विवचन बनाना है या बहुवचन बनाना है। तो हे बालिके तुम पुत्र थावसी। ओके, तो बेटा इस प्रकार से आज हमने संबोधन कारक का पुनः अभ्यास किया। आप इसको फिर से इसी प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ नहीं भी आता, आप कभी भी किसी भी समय डिस्कस कर सकते हो, मैम से पूछ सकते हो। ठीक है।